We are very happy for the response and the love that we are getting as a team. So we are very happy. Okay, ma'am. जैसे कि lot of question media के पास आए और उन्होंने कहा कि उनका credit आपने नहीं है. ऐसा नहीं है. उनका credit है film में. ये कहना बहुत गलत होगा कि नहीं है. अब उन कहते हैं हमारा नाम पूरा है कि वो तो उनको प्रोड्यूसर से बात करनी चाहिए, मुझ पे अटैक नहीं करना चाहिए. उन्होंने आपके ऊपर ही अटैक किया वाला वो गलत है. 70% और जो आपकी जो नहीं वो गलत है. वो प्रूव कर दें उस बात को. सी मीडिया में करके तो कुछ नहीं होगा. अब मणिकर्णिका फिल्म जो है वो बन चुकी है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने डायरेक्ट की हुई है. सारे जो फाइनल डिसीजन है मैंने लिए हुए हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर कि ये फिल्म तो बन के अभी आ गई है थिएटर्स में, तो इसका तो भी कुछ नहीं हो सकता, राइट? जो भी लोग भी कह रहे हैं कि हमारा रोल काट दिया या हमको कुश्ती का सीन निकाल दिया या हमारी आवाज़ नहीं डाली, तो मेरा उन लोगों को यही कहना है कि देखिए, जो भी आज तक मैंने जगह पाई है लाइफ में, चाहे एज एन एक्टर, 3 times नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर या फिल्म मेकर, मैंने अपनी मेहनत से पाई है. मेरे पिताजी ने मुझे नहीं दी. आप भी ये जगह पाइए. रोकर क्या होगा. मैंने भी 5 मिनट के रोल से शुरू किया है. मैंने भी कई फिल्मों में मेरे रोल काटे गए हैं. कई फिल्मों में मुझे लास्ट मिनट पे निकाला गया है. लेकिन मैं जिस अगर ये मेरी पावर है तो आई हैव डिजर्व्ड इट. आई हैव अर्नड इट. इट इज़ माय प्रेरोगेटिव एज अ डायरेक्टर टू डिसाइड कि मेरे को किस एक्टर को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से मटेरियल को मुझे कैसे. अगर क्रिस ने भी मुझे शूट करके दिया था, इट इज़ माई प्रेरोगेटिव एज अ डायरेक्टर, इवन इफ ही हैज लेफ्ट द फिल्म इन माई हैंड्स विच ही डिड, टू टेक द फाइनल कॉल्स. तो इस तरह से ये कहना बहुत गलत बात है. जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में उनको मुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए. मुझसे जलकर या मुझ पर अटैक करके क्या होगा. आप मुझे बताइए, मैं भी दस साल थैंक यू मैम मैं भी दस साल संघर्ष करके इतना आगे आई हूँ. तो आप लोग भी संघर्ष करिए ना. मुझ पर अटैक करके क्या होगा, तभी आप लोग आगे आ पाएंगे. नहीं तो मैं वही कह रही हूँ उन लोगों को भी कह रहे ना कि हमको लीड रोल्स चाहिए. अरे भाई मेहनत करो. मैंने भी पाँच मिनट के रोल्स किए हुए हैं. मेरे भी रोल्स काटे गए हैं. बट दिस इज नॉट हाउ द वर्क. रोकर कुछ नहीं. अपने हक के लिए उसके लायक बनो. मेरी तरफ ने टुडे इफ आई एम अ फिल्म मेकर आई एम ऑन माय ओन क्रेडिबिलिटी. मेरे पापा जी ने नहीं मुझे बनाया हो तो मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो. मैं फिर एक डायरेक्ट फिल्म करूंगी और मणिकर्णिका से बेटर करूंगी. मेरा यही सजेशन है क्रिश के लिए कि ये सारी कंपनी को लेके एक फिल्म बनाए. हाँ, उसमें सोनू को वो ये विलन ले और इनको ये हीरोइन ले और अपूर्व असरानी से स्टोरी लिखवाइए और एक ऐसी फिल्म बनाइए कि मुझे मजा चखा दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.